साल की तरह इस साल भी पैगाम मोहब्बत फोरम मानवतावादी कार्यक्रम का आयोजन करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मानवता दिवस यौम रहमत के रूप में मनाया जाएगा। नया राव पार्क में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चिकित्सा शिविर होगा। फ्री शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी। परिवर्तन रोटी बैंक के सहयोग से रोटी बैंक के तीनों काउंटर हरसिला कार्डियोलॉजी मोहम्मदिया इनके द्वारा चालू रहेंगे। भोजन के साथ मिठाइयां भी वितरित की जाएंगी। गिफ्ट हैंपर्स के साथ बाल भवन, मदर टेरेसा अनाथालय, हिंदू अनाथालय जाकर मिठाइयां भी बांटेंगे। मिठाई वितरण के लिए UHM इमरजेंसी, JK कैंसर हॉस्पिटल भी जाएंगे। यतीम खाना परेड का दौरा करते हुए बच्चों से मिलते हुए उन्हें गिफ्ट हैंपर और मिठाइयां प्रदान करेंगे। शहर में वंचितों को अपनी वैन के द्वारा 150 खाने के पैकेट भी वितरित किए जाएंगे इनके द्वारा। और जुलूसे मोहम्मदी में समाज में शांति और प्रेम का पैगाम भी देंगे। अब्दुल रशीद और फैज खालिद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। यौम रहमत को यानी कि 12 रविवार को हम लोग इंसानियत के लिए कोई प्रोग्राम पहुंचाएं तो पैगाम मोहब्बत या पैगाम मोहम्मद बात एक ही है, तो पैगाम मोहब्बत के नाम से एक हम लोग एक करते हैं जिसमें हर साल की तरह जो हम लोग जो शहर में खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको करवाते हैं, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फल वगैरह देते हैं जो हमारे मरीज जहाँ पे अस्पतालों में एडमिट हैं, यतीम खाने, हिंदू यतीम खाने यानी हिंदू अनाथालय जो है, क्रिश्चियन वालों का जो अनाथालय है उसमें, इन सब में हम लोग जाएंगे अलग अलग टीम बनाकर और ये पैगाम देंगे कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स हैं, जो उनकी कहना है उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क किया जाए। जो पैगाम मोहब्बत फोरम के नाम से हमारे अशर हजरत काम कर रहे हैं और उसी में योम मोहब्बत योम रहमत के उनवान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें दूसरों तक पहुँचाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उमा रसल्ला के इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तमाम आलम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा है। इसको हमें प्रूफ करना है कि प्रॉफिट फॉर ऑल, आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि सब के नबी, और आपकी जो तालीम है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पानी गंदा मत करो, पौधे मत काटो, जानवरों के ताल्लुक से, इंसानों के ताल्लुक से, खाली आपने कहीं पर यह नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से तालीमात आपकी नहीं बल्कि आपकी तालीमात सबके लिए आम है। अब रहा मसला कि हुजूर अलैहि सल्लत व सलाम की सीरत, तो उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो हुजूर अलैहि सल्लत